हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 21 में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्रिलियन जोन्स के ऊपर। ब्रिलियन जोन्स के ऊपर हम आज की क्लास में समझेंगे कि ब्रिलियन जोन्स होता क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ब्रिलियन जोन्स के अंदर एक ब्रैग प्लेन नाम की चीज होती है, वो क्या होती है वो समझेंगे। फर्स्ट ब्रिलियन जोन कैसे कंस्ट्रक्ट होता क्या है, सेकेंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन, इसी तरीके से हम एनथ ब्रिलियन जोन्स तक जाएंगे। ब्रिलियन जोन को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल लैटिसेस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल स्पेस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि विग्नर सीड सेल क्या होता है, या आपको लास्ट लेक्चर इवॉल्व स्फीयर पता होना चाहिए। बट स्टिल मैं आज की क्लास में थोड़ा सा रिविजन दे दूंगा, बट इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उन सब वीडियोज को देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आगे की वीडियोस के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलो खैर, हम शुरुआत करते हैं ब्रिलियन जोन्स की। देखो, ब्रिलियन जोन्स को समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हम विग्नर सीड सेल की रिविजन कर लेते हैं। हमने विग्नर सीड सेल में देखा था कि अगर मैं डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स बनाऊं, डायरेक्ट लैटिस, तो डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स, ये जो लैटिस पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इनमें कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, जैसे कि इसके लिए मैंने एक ये वाला पॉइंट अस्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा रीजन जो इस पॉइंट के जितना पास हो उतना वो किसी और लैटिस पॉइंट के पास ना हो, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं विग्नर सीड सेल। तो ऐसे रीजन को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके आसपास जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं सबसे एक लाइन बना लो, उसके बाद इन सब लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। तो इन सब लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, 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 इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस सब लाइनों के मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। तो ये जो रीजन मुझे मिला है, ये पूरा का पूरा रीजन जितना पास इस पॉइंट के है उतना पास किसी दूसरे लैटिस पॉइंट के नहीं है, तो ऐसे सेल को, ऐसे रीजन, ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं विग्नर सीड सेल। और ये सभी पॉइंट्स के लिए बनाई जाती है, यहां पर इसके लिए बनाया, उसी तरीके से अब जब आप इसके लिए बनाओगे तो इसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब से कनेक्ट करना और उन सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो ये होगी विग्नर सीड सेल। विग्नर सीड सेल हम बनाते हैं डायरेक्ट लैटिसेस में, ठीक है, डायरेक्ट लैटिस लेकर के। अब ऐसा ही इसी का इक्विवेलेंट बनेगा रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में, यानी कि मैं यहां पर आपकी बारी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स लेकर के बात करूंगा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, पर तब जो वेरिएशन होगा वो होता है आपका ब्रिलियन जोन्स। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। खैर, आपको आई होप विग्नर सीड सेल समझ में आ गया होगा। ये है आपका विग्नर सीड्स सेल, ठीक है। अब हम, एक तो हमने विग्नर सीड सेल की रिवीजन कर ली, अब हम जरा सी रिवीजन कर लेते हैं इवॉल्व्ड स्फीयर की, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इवॉल्व्ड स्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन देता है इन वेक्टर फॉर्म। हमें वेक्टर फॉर्म में ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन पता चलती है, अभी मैं लिखूंगा वो क्या होती है। देखो, इवॉल्व्ड स्फीयर में हमने देखा था कि आप रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स बनाओ, उसके बाद किसी भी जगह से आप एक्सरे को लेकर के आओ। सपोज करो कि मैं यहां से एक्सरे लाया, और जब यहां से मैं एक्सरे लाया तो ये वाली दूरी आई मेरी के वेक्टर, फिर मैंने यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और ये सर्कल जहां पर भी दूसरी जगह किसी और रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को टच कर रहा था, मैंने कहा था कि यहां पर डिफ्रेक्शन होगी, ब्रैग्स डिफ्रेक्शन होगी, ये वाला वेक्टर हो गया था हमारा के प्राइम वेक्टर, और जहां इंसिडेंट वाली जिस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पे आती है, ये वाला रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। ओरिजिन किसका, ये जो मैंने रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स बनाए हैं रेसिप्रोकल स्पेस में, इनका ओरिजिन, ठीक है। इवॉल्व्ड स्फीयर का ओरिजिन तो ये है, करेक्ट बात,
और ये दोनों लेंथ बराबर है, जितना जितनी लेंथ ये बराबर है उतनी ही ये भी बराबर है। वो मैं सर्कल पूरा अच्छे से बना नहीं पाया इसलिए ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। ठीक है, अब एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से, ओरिजिन से, जो मैं एक दूसरे रेसिप्रोकल लैटिस की तरफ जाता हूं, तो जो वेक्टर होता है इस वेक्टर को बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे रेसिप्रोकल लैटिस वाली क्लास में, निकाला था हमने एच ए एस्टेरिक्स प्लस के बी एस्टेरिक्स प्लस एल सी एस्टेरिक्स। ठीक है, हालांकि यहां पर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो मैं इस वाले पार्ट को नहीं लिख के चलूंगा, पर आप हमेशा ही इसको एज्यूम कर सकते हो कि है। खैर, मैं लास्ट में ऐड कर भी दूंगा। अब यहां तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई क्योंकि ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारे इवॉल्व स्फीयर का, ये ओरिजिन है हमारे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स का, ये है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर एकदम। और ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है जहां पर भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट इवॉल्व स्फीयर को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहां पर ब्रैग डिफ्रेक्शन जो कंडीशन है यहां पर, यानी कि डिफ्रेक्शन होगा। तो ये है ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन, और वो क्या कहती है? ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन कहती है 2kg प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारी ब्रैग डिफ्रेक्शन कंडीशन, यानी कि ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस और ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि इसका यूज होने वाला है, तो आज की क्लास में इसका यूज होगा जब हम ब्रिलियन जोन्स निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए। खैर, यहां तक की बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर। अब एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज एक और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी ब्रैग प्लेन। ब्रैग प्लेन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया या कोई भी बुक आप ले लो, सब में इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ब्रैग प्लेन होता है अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स में, अभी आप थोड़ी देर के लिए ये ब्लैक वाला जितना भी है ना इवॉल्व स्फीयर, इसको सोचो कि नहीं है, यहां पर इमेजिन करो कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ रेड रेड पॉइंट्स है। तो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में ओरिजिन से आप जब भी किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट की तरफ हिट करते हो और परपेंडिकुलर लाइन बना दो उसके बीच में, ठीक है, तो वो होता है आपका ब्रैग प्लेन। और इस केस में हम सिर्फ वाला रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लेंगे जो कि ब्रैग कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये वाला। अगर मैं ये वाला रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट मैं यहां से कनेक्ट करूं इसको, तो क्या ये मैं क्या ये वाला वेक्टर ब्रैग कंडीशन को फुलफिल करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट इवॉल्व स्फीयर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहां पर डिफ्रेक्शन नहीं होगी। खैर, चलो यहां तक की बात क्लियर ही है आपको, लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में बात करी थी इस पे। अब मैंने बोला ब्रैग प्लेन क्या होता है, ओरिजिन से रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस में कोई भी एक पॉइंट जो ओरिजिन है उससे एक दूसरे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बना है उसका जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ब्रैग प्लेन, दिस लाइन इज कॉल्ड ब्रैग प्लेन। अब आप बोल रहे होंगे कि ये ब्रैग प्लेन है और मैं इसे लाइन बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने 2D में बनाया है, तो 2D में लाइन है, और अगर मैं 3D में बनाता ऐसे ही पॉइंट आगे की तरफ भी होते तो ये एक प्लेन होता, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं ब्रैग प्लेन। अभी सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो ये सब कुछ था हमारा रिविजन लास्ट क्लासों का। अब हम शुरू करते हैं ब्रिलियन जोन को समझना क्या होता है और कैसे होता है। ब्रैग प्लेन याद रखना, ब्रैग प्लेन क्या होता है, ओरिजिन से रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट में कोई भी जो ओरिजिन है उससे कोई भी आप दूसरा पॉइंट लो, उन दोनों को कनेक्ट करो और परपेंडिकुलर लाइन बना दो, प्लेन बना दो, तो वो जो परपेंडिकुलर प्लेन है दैट इज कॉल्ड ब्रैग प्लेन। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं ब्रिलियन जोन्स। ये थी हमारी रिविजन। देखो, सबसे पहले हम ब्रिलियन जोन को बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम सिंपल क्यूबिक के लिए ब्रिलियन जोन की मैथमेटिक्स करेंगे। देखो, आप कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स लो, ठीक है, 3x3 का ले लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। अब ब्रिलियन जोन बनाने के लिए आप कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानो, मान लिया मैंने ये सेंटर वाला पॉइंट क्या है, मेरा ओरिजिन है। उसके बाद इससे बिल्कुल वैसे जैसे बिगिनर सीट सेल था, इससे
जितने भी यहां पर पॉइंट्स हैं सबको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इससे कनेक्ट कर दिया मैंने ये वाला पॉइंट, 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 इससे कनेक्ट कर दिया मैंने ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर दिया और ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर दिया। तो मैंने एक पॉइंट चूज करा आर्बिट्रेरी, उस पॉइंट से मैंने जितने भी बाकी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स थे सबको कनेक्ट कर दिया। अब सबके पर सबके लिए ब्रैग प्लेन बना दो। तो ब्रैग प्लेन मैंने क्या बताया था अभी, एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट जो मैंने ओरिजिन लिया है उससे दूसरा पॉइंट और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी वो ब्रैग प्लेन है। तो पहला ब्रैग प्लेन बनाते हैं हम इस लाइन के लिए। तो इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो और सीधी लाइन बना दो, ठीक है। उसके बाद अब इस लाइन के लिए बनाओ ब्रैग प्लेन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद इस लाइन के लिए बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सीधी लाइन बना दी। उसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, मैं सीधी कर देता हूं। आप कॉपी में स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद ये वाले के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, कैसे बनेगा ऐसे। उसके बाद इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। उसके बाद और कौन सी लाइन रह गई, ये वाली लाइन रह गई, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। और कोई लाइन रही, हाँ ये वाली लाइन रह गई, इसका ब्रैक प्लेन बनाओ, इसका ब्रैक प्लेन बनेगा ऐसे, राइट। तो मैंने सबके, इसका ब्रैक प्लेन नहीं बनाया मैंने अभी, ये वाली लाइन इसका भी बना दो, ठीक है। अभी मैं बार बार बनाऊंगा, ये तो कई बार ही बनाना पड़ेगा मुझे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई थी ना दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, मैं उसको मिटा देता हूं। हाँ मैंने ये सारी लाइनें रेड वाली इसलिए मिला दी क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ इमेजिनरी बनाया था ना, दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन बनाई थी इमेजिनरी बनाई, ठीक है, ताकि मैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना पाऊं, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है ब्लैक प्लेन, ठीक है। अब तो सब इस पॉइंट के आसपास जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सबके ब्रैक प्लेन्स बना दिए। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ब्रिलियंट जोन क्या कहलाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आने वाली है। अब इस पॉइंट से जब आप चलोगे किसी भी दिशा में, जब आप चलोगे किसी भी दिशा में और आप एक ब्रैक प्लेन को पार नहीं करोगे, एक भी ब्रैक प्लेन को पार नहीं करोगे, जहां ब्रैक प्लेन आया आप वहां रुक जाओगे, तो वहां तक का जो रीजन होगा वो कहलाएगा आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। यानी कि आप यहां से चले, इस दिशा में चले मान लो, और यहां पर पहला ब्रैक प्लेन आ गया, बस आप यहीं रुक गए। इसी तरीके से सब दिशाओं में, तो कौन सा रीजन है ऐसा, ये वाला पूरा इलाका, ये वाला पूरा इलाका वो है जहां पर आप सेंटर से चले, इस पॉइंट से चले और आपने पहले ब्रैक प्लेन को पार नहीं करा, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। यहां तक बात क्लियर, ये है हमारा ब्रिलियंट जोन। कितना आसान टॉपिक था, अभी हम इसकी मैथमेटिक्स पे भी आने वाले हैं, अभी पहले समझ लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये अगर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है तो सेकंड ब्रिलियंट जोन क्या होगा, आप सेंटर से चले, आपने फर्स्ट ब्रैग प्लेन को पार करा पर आपने सेकंड ब्रैग प्लेन जो भी आगे आने वाला है दूसरा ब्रैग प्लेन उसको पार नहीं करा, तो जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड ब्रैग प्लेन, देखो सॉरी सेकंड ब्रिलियंट जोन। तो आप यहां से चले, आपने पहला पार करा पर दूसरा पार नहीं करा, तो ये वाला रीजन, तो ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड ब्रिलियंट जोन। उसी तरीके से सब डायरेक्शन में, यहां से चले पहला पार करा दूसरा पार नहीं करा तो ये सेकंड ब्रिलियंट जोन, यहां से चले पहला ब्रैक प्लेन पार करा दूसरा पार नहीं करा ये भी सेकंड ब्रैक प्लेन, सेकंड ब्रिलियंट जोन। यहां से चले पहला ब्लैक प्लेन पार करा, पहला ब्रैक प्लेन पार करा बट दूसरा ब्रैक प्लेन पार नहीं करा, तो ये भी सेकंड ब्रिलियंट जोन। तो यानी कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन क्या होता है, आप ओरिजिन से चले, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ओरिजिन से चले, पहला ब्रैक प्लेन पार नहीं करा तो जो रीजन है वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सेकंड ब्रिलियंट जोन क्या होगा, आप ओरिजिन से चले, आपने पहला पार कर दिया पर दूसरा पार नहीं करा, यानी जो भी आपको ब्रिलियंट जोन निकालना है उस वाले नंबर का ब्रैक प्लेन को आपको पार नहीं करना है। मान लो मुझे निकालना है सेवेंथ ब्रिलियंट जोन, सेवेंथ निकालना है मुझे ब्रिलियंट जोन, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिन से चलूंगा, ओरिजिन से चलूंगा, सिक्स्थ ब्रैग प्लेन को,
सिक्स्थ ब्रैग प्लेन को पार करूंगा पर सेवेंथ ब्रैग प्लेन को पार नहीं करूंगा, यानी कि सिक्स्थ ब्रैग प्लेन और सेवेंथ ब्रैग प्लेन के बीच का जो रीजन है वो कहलाएगा सेवेंथ ब्रिलियन जोन। इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि एनथ ब्रिलियन जोन क्या होगा, तो एनथ ब्रिलियन जोन के लिए आप एन माइनस वन ब्रैग प्लेन को पार कर दोगे और एन एनथ ब्रैग प्लेन को पार नहीं करोगे। तो एन माइनस वन वनथ ब्रैग प्लेन से लेकर के एनथ ब्रैग प्लेन के बीच का जो रीजन होगा वो कहलाएगा एनथ ब्रिलियन जोन। तो आपको फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन, आई होप समझ में आ रहे होंगे। चलो एक थर्ड ब्रिलियन जोन भी निकालते हैं। थर्ड ब्रिलियन जोन के लिए आप और भी ब्रैग प्लेन बनाओ, क्योंकि अभी तक मैंने दो ही बनाए, आप तीसरा भी बनाओ। तीसरा बनाने के लिए मैं तीन पॉइंट्स को लेकर के नहीं बना सकता, तो मुझे थोड़ा सा पॉइंट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा थर्ड ब्रैग प्लेन के लिए। बट आप इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन अगर आप करोगे तो जैसे ये पॉइंट यहां पर था, ये थोड़ा सा ही नहीं है, या चलो मैं बना ही देता हूं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करके बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने ये एरे ऑफ पॉइंट्स बना दिए इन टू डायमेंशन और ये पॉइंट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह। अब की बार मान लो मैंने इसको ओरिजिन माना, ठीक है, अब इससे सारे के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। मैं यहां करूंगा नहीं, वरना फिर फिगर ही खराब हो जाएगी, फिर समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं एक एक करके करना शुरू करूंगा। बट आप अभी इमेजिनरी सोचो, आपने सारे के सारे पॉइंट्स को इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे सीधी सीधी लाइन से, सबको। उसके बाद उन सबके ब्रैग प्लेन बना दिए, यानी कि सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दिए, ठीक है। और फिर आप सेंटर से बढ़े और पहले ब्रैग प्लेन को पार नहीं करा तो जो रीजन है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फिर आपने पहले को पार करा, दूसरे को पार नहीं करा तो जो रीजन आया वो सेकंड ब्रिलियन जोन। इसी तरीके से बनते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं तीन ब्रैग प्लेन आपको बता पाऊं, तीन ब्रिलियन जोन यहां पर दिखा पाऊं, ठीक है। देखो, तो जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो इन दोनों को इमेजिनरी मान लो, सीधी लाइन मान लो, तो उसका उसका जो ब्रैग प्लेन बनेगा वो ऐसे बनेगा। उसके बाद मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो यहां का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। उसी तरीके से जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन का ऐसे बनेगा। इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, अब ध्यान देते जाना क्योंकि चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इन दोनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा, इसको और इसको कनेक्ट करूंगा, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक। मिटा देता हूं इसको, इस वाले पार्ट को। उसी तरीके से इन दोनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, ये इसी पर ही आएंगे, ठीक है। जब मैं इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद जब मैं इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो, इन दोनों को कनेक्ट करा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन, तो ये एक ब्रैग प्लेन हो गया। कई सारे ब्रैग प्लेन बना दिए हमने, और बनाएंगे अभी। तो अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट करूं ऐसे, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला पॉइंट है, तो ये ऐसे बना, ठीक है। ये बीच वाली लाइन मिटा देता हूं मैं। अब इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर बनेगा, ये वाली लाइन, ठीक है। ये बीच वाली लाइन मिटा देता हूं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। और पॉइंट्स, और पॉइंट्स, इसको और इसको कनेक्ट करूंगा, जब ऐसे कनेक्ट करूंगा तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। आप समझ रहे हो ना, अच्छे से अपनी कॉपी में बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, राइट। उसके बाद इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। इसको और इसको कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। उसी तरीके से आप इन सबको भी कनेक्ट करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फिगर के अंदर फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन और थर्ड ब्रिलियन जोन, ठीक है। देखो, मैं रेड कलर से बनाऊंगा, रेड कलर से बनाऊंगा मैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा, ब्लू कलर से बनाऊंगा मैं सेकंड ब्रिलियन जोन, और ब्लैक कलर से बनाऊंगा मैं थर्ड ब्रिलियन जोन, ठीक है। अब देखो जरा, पहले फर्स्ट बनाना है। मैं ओरिजिन से चला, पहले ब्रैग प्लेन को पार नहीं करा, तो ये जो मेरे पास रीजन आया है, दिस रीजन इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलियन जोन। क्लियर हो गई बात,
पहले ब्रैकलिन को पार नहीं करना है, ठीक है। सेकंड ब्रिलियंट जोन पे आओ, सेकंड ब्रिलियंट जोन के लिए क्या बोला था मैंने कि फर्स्ट ब्रैकलिन को पार करना है पर सेकंड को नहीं करना है, तो ये हो गया आपका सेकंड ब्रिलियंट जोन। थर्ड ब्रिलियंट, सेकंड ब्रिलियंट जोन सिर्फ यहां नहीं है, ये वाला इस दिशा में भी बन रहा है क्योंकि पहले ब्रैकलिन को पार कर लिया बट सेकंड को नहीं करा, उसी तरीके से ये वाला भी, उसी तरीके से ये वाला भी, ठीक है। अब थर्ड ब्रिलियंट जोन पे आओ, थर्ड ब्रिलियंट जोन के लिए फर्स्ट को भी पार करना है सेकंड को भी पार करना है पर थर्ड को पार नहीं करना है, तो फर्स्ट को ऐसे चला मैं, फर्स्ट को पार करा सेकंड को पार करा बट थर्ड वाले को पार नहीं करा, तो ये वाला रीजन, उसी तरीके से ये वाला रीजन, उसी तरीके से ये वाला रीजन, सेम वे दिस, सेम वे दिस रीजन, सेम वे दिस रीजन, ऐसे ही ये वाला भी और ऐसे ही ये वाला भी। तो ये ब्लैक वाले हो गए मेरे पास फोर्थ ब्रिलियंट जोन, सॉरी थर्ड ब्रिलियंट जोन। अगर मान लो मुझे फोर्थ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले को पार करा, दूसरे को पार करा, तीसरे को करा पर चौथे को नहीं करा, इसका मतलब ये वाला रीजन जो है ये फोर्थ ब्रिलियंट जोन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सारे ब्रिलियंट जोन्स को बनाते हैं। तो आई होप आपको ब्रिलियंट जोन समझ में आया होगा, ब्रैग प्लेन्स समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल, इसके मैथमेटिक्स की तरफ, इसकी इक्वेशंस की तरफ। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि ब्रिलियंट जोन बनाओ फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस, राइट, तो हम फिर कैसे बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो अब हम वो करते हैं। मैं इस सबको मिटा रहा हूं, आप लिख लेना पॉज करके। तो अब हम बात करेंगे ब्रिलियंट जोन इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए। देखो हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस जो डायरेक्ट लैटिस में होता है, अगर डायरेक्ट लैटिस में एज लेंथ में ए मानता हूं, अगर डायरेक्ट लैटिस में एज लेंथ ए है मेरे क्यूब की, तो रेसिप्रोकल लैटिस में भी वो सिंपल क्यूबिक ही रहता है बट अब की बारी एज लेंथ हो जाती है 2π/a। ये मैंने बताया था आपको जब मैंने रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स के, मैं आपको बता देता हूं चलो अभी भी क्यों हो जाती है। देखो अगर मैं डायरेक्ट लैटिस की बात करूं तो डायरेक्ट लैटिस में मान लो मेरे जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो है ए आई, और जो मेरा दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर है बी वो है मान लो ए जे, क्यूब है ना, तो दोनों एज लेंथ बराबर होंगी, ठीक है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालूं यानी कि ए एस्टेरिक्स निकालूं, तो ए एस्टेरिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2π(b×c) डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अब सी तो यहां पर है नहीं क्योंकि मैं 2D की बात कर रहा हूं अभी, हमारे जो भी फिगर है 2D में, इसलिए तो आप सी की वैल्यू अज्यूम कर लो सिर्फ के वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो अगर मैं वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो वॉल्यूम की वैल्यू ए वेक्टर की जगह आ जाएगा ए आई डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि ए जे क्रॉस सी वेक्टर इज के वेक्टर, जे जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है आई, तो ये हो जाएगा, ये तो ए आई है ही प्लस ए तो है यहां पर और ये दोनों का हो गया आई। अब ए आई डॉट ए आई क्या हो जाएगा, ए ए ए स्क्वायर हो जाएगा, आई डॉट आई 1, तो वॉल्यूम की वैल्यू आई मेरे पास ए स्क्वायर, ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैं ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2π(b×c) की वैल्यू कितनी आई है, ए आई, बी क्रॉस सी की वैल्यू आई है ए आई डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम कितना आया ए स्क्वायर, तो एक ए से एक ए कट गया और मेरे पास क्या आया 2π/a i। इसी तरीके से जब आप बी एस्टेरिक्स निकालोगे, इसी तरीके से जब आप बी एस्टेरिक्स निकालोगे, यानी कि ये है डायरेक्ट लैटिस, और जब डायरेक्ट लैटिस में सिंपल क्यूबिक उसका आप रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकाल रहे हो, तो ए एस्टेरिक्स की वैल्यू आई 2π/a i और बी एस्टेरिक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 2π/a j, और ए एस्टेरिक्स को मैं दोबारा लिख देता हूं 2π/a i। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे उनकी वैल्यू मिल गई, और जो मेरा रेसिप्रोकल लैटिस में क्यूब बनेगा उसकी एज लेंथ कितनी है 2π/a 2π/a। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्योंकि अभी काम में आएगी। तो अब ब्रिलियंट जोन्स के लिए हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो मैं रेसिप्रोकल में एक सिंपल क्यूबिक लूं जो कि डायरेक्ट में भी सिंपल क्यूबिक था, जिसकी डायरेक्ट में एज लेंथ थी सिर्फ ए और रेसिप्रोकल में एज लेंथ हो गई 2π/a, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर, अब यहां से बनाना हम शुरू करेंगे ब्रिलियंट जोन। खैर जी वेक्टर की वैल्यू मैं जानता हूं क्या होती है, एच ए एस्टेरिक्स प्लस के बी एस्टेरिक्स, ये बात हमें पता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, ये होती है वैल्यू। अब
एच ए एस्टरिस्क की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, टू पाई बाय ए आई, टू पाई बाय ए आई प्लस के, और बी एस्टरिस्क की जगह डाल सकता हूं मैं टू पाई बाय ए जे, टू पाई बाय ए जे, टू पाई बाय ए दोनों में कॉमन है तो टू पाई बाय ए को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा एच आई प्लस के जे, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को, तो इसको भी लिख देते हैं यहां पर। जी वेक्टर की मेरे पास वैल्यू आई है टू पाई बाय ए एच आई प्लस के जे, यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो हमारे पास वेव वेक्टर है के, उसको भी अगर मैं एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में रिजोल्व करूं, तो वेव वेक्टर जो कि के वेक्टर है उसको दोनों डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा के एक्स आई प्लस के वाई जे, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास कुछ डेटा हो गया जिसके थ्रू अब मैं ब्रिलियंट जोन की बात करने वाला हूं। खैर ब्रिलियंट जोन में हमें बात करनी होती है ब्रैग्स डिफ्रैक्शन की रिवर्स स्फीयर में, और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन क्या है हमारे पास, 2gk प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास ब्रैग्स कंडीशन है। अब मेरे पास g की वैल्यू भी आ गई है सिंपल क्यूबिक के लिए, और मैंने k को भी रिजोल्व कर लिया है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें डाल देता हूं मैं, तो देखो क्या बनेगा। अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें डालूंगा, तो 2g वेक्टर है मेरे पास 2 पाई बाय a एच आई प्लस के जे डॉट, के वेक्टर है मेरे पास के एक्स आई प्लस के वाई जे, के एक्स आई प्लस के वाई जे, उसके बाद प्लस ये, उसके बाद प्लस जी वेक्टर का स्क्वायर यानी कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर, टू पाई बाय ए का स्क्वायर तो हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इस हिस्से का स्क्वायर क्या होगा एच आई प्लस के जे की मल्टीप्लाई दोबारा एच आई प्लस के जे से करूंगा, तो आई वाले की आई वाले से ही होती है, जे वाले से तो होगी नहीं, जीरो हो जाएगा, तो एच की एच से होगी एच स्क्वायर, और के की के से होगी के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है जीरो। अब इस पोर्शन को मैं उधर ले जाऊंगा, तो इस तरफ मेरे पास हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा मेरे पास फोर पाई बाय ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एच की हो जाएगी के एक्स के साथ, एच की के वाई से तो होगी नहीं क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है, एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो, तो एच की सिर्फ के एक्स से होगी, तो ये आएगा एच के एक्स प्लस सिमिलरली जे वाले की जे वाले से होती है तो के डॉट के वाई, याद रखना ये के और ये के अलग है, ये वेव वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, और ये वाला के एच के एल प्लेन वाला के है जो कि रेसिप्रोकल लैटिस में कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला तो हो गया ये वाला हिस्सा, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस फोर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहां तक की बात क्लियर हुई, ठीक है। कुछ कट रहा है यहां पर, फोर पाई से फोर पाई गया, ए से ए गया, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू आई एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमने अपने लिए ब्रैग्स कंडीशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा है, और अब इसका हम यूज करने वाले हैं ब्रिलियंट जोन्स को निकालने के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को भी लिख देता हूं बिकॉज मुझे यहां पर अब फिगर बनानी है। तो हमारे पास इक्वेशन आई है एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बनाएंगे सिंपल क्यूबिक में रेसिप्रोकल लैटिस, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस का जो सिंपल क्यूबिक होगा वो बना रहे हैं हम। एज लेंथ कितनी लेनी है मुझे, टू पाई बाय ए, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी कितनी है, टू पाई बाय ए, उसी तरीके से यहां पर भी टू पाई बाय ए, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी टू पाई बाय ए क्योंकि क्यूबिक है, जितना डिस्टेंस यहां उतना ही यहां, टू पाई बाय ए दूरी पर सब बना दिए मैंने, यहां तक की बात होगी क्लियर। अब मुझे बनानी है ब्रैग प्लेन यानी कि के वैल्यूज निकालनी है मुझे, तो के वैल्यूज निकालने के लिए मुझे एच और के सारे पॉसिबल वैल्यूज डालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी समझ में आएगा, देखो
एच और के सारे पॉसिबल वैल्यूज डालूंगा तो मुझे के एक्स और के वाई की वैल्यू मिलेगी, जिससे कि मैं यहाँ पर लाइंस बनाऊंगा। ये ओरिजिन मान लो, ये डायरेक्शन हो गई आपकी के एक्स की और ये डायरेक्शन हो गई आपकी के वाई की। अब मुझे लाइन अगर बनानी है तो एच और के की वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। और एच और के की क्या वैल्यूज हो सकती है? हो सकता है एच वन हो सकता है एच माइनस वन हो सकता है एच जीरो हो सकता है के वन हो सकता है के माइनस वन हो सकता है के जीरो हो। तो यानी कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बन रही है, एक एक करके करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले एच की, पहले के को जीरो ले लेते हैं और एच की वैल्यू वन पे बनाएंगे और के को जीरो रखेंगे। एच की वैल्यू माइनस वन पे बनाएंगे और के को जीरो रखेंगे। पहले इतना काम करते हैं। तो देखो, जब मैं इतनी चीज लूंगा तो मेरी ये वाली इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी? देखो, एच की जगह मुझे वन लेना है। पहले सिर्फ ये वाला हिस्सा कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा। एच की वैल्यू वन ले लिया तो ये तो वन इंटू के एक्स तो रहा सिर्फ के एक्स। फिर प्लस के की जगह कितना लेना है मुझे? जीरो। तो ये तो पूरा हो गया जीरो, तो कुछ नहीं बचा। इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए, माइनस पाई बाय ए, एच की जगह वन, के की जगह जीरो, वन का स्क्वायर तो वन ही रहा, तो यही आया आंसर। तो के एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई इस केस के लिए? माइनस पाई बाय ए। तो के वाई की क्या वैल्यू है? के वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू की मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस केस के लिए। तो के वाई इज एनी आर्बिट्रेरी, के वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो चलो इस लाइन को बना लेते हैं अब फिगर में। देखो, ये ओरिजिन है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 पाई बाय ए। क्यों है 2 पाई बाय ए? क्योंकि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल जब आप बनाते हो तो एच लेंथ अगर सिंपल क्यूबिक में ए है तो रेसिप्रोकल में 2 पाई बाय ए हो जाती है और ये रेसिप्रोकल है। तो ये है 2 पाई बाय ए, ओरिजिन के इधर नेगेटिव है 2 पाई बाय ए, ये पूरा डिस्टेंस है। मुझे कितना जाना है के एक्स में? माइनस पाई बाय ए। तो माइनस पाई बाय ए ये वाला पॉइंट हुआ। और के वाई की क्या वैल्यू है? सारी, कोई भी हो सकती है। तो ये क्या बनेगी मेरे पास? एक सीधी लाइन। अब बिल्कुल देखो जैसे पहले फिगर में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करा था, ऐसी बना था ना। इस लाइन का नाम क्या दिया मैंने? के एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए, जैसे आपको बुक्स में लिखा होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला यानी कि ये वाला। तो एच की जगह मुझे माइनस वन लेना है तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स, और k की जगह जीरो लेना है तो ये तो आपकी बार भी जीरो ही रहा, और इधर क्या आया? माइनस पाई बाय ए, एच की जगह माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये तो फिर दोबारा वैसी है, यही आंसर आया। माइनस से माइनस कट गया, के एक्स की वैल्यू आई हमारे पास पाई बाय ए। तो के एक्स की डायरेक्शन में मुझे लेना है पाई बाय ए, तो ये जीरो है ओरिजिन है, ये है टू पाई बाय ए, तो पाई बाय ए वाली लाइन इधर बनेगी। ये हो गया आपका के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय ए। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट, दो हमने पॉसिबिलिटी ले ली। अब और पॉसिबिलिटी लो, पॉसिबिलिटी अगली ये हो सकती है कि एच जीरो हो और के वन हो, और एच जीरो ही ले और के माइनस वन हो, ये भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन दोनों को भी बनाते हैं। देखो, पहले इस वाले की बात कर लेते हैं। एच की जगह जीरो लेना है तो ये पूरा जीरो हो गया, और के की जगह वन लेना है तो सिर्फ वन इंटू के वाई क्या बचा? सिर्फ के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए, एच की जगह जीरो है, के की जगह वन है, तो ये तो पूरा का पूरा वन हुआ, माइनस पाई बाय ए आंसर हुआ। तो के वाई कितना आएगा? माइनस पाई बाय ए। तो एक ये वैल्यू भी बन रही है, इसको भी बनाओ। के वाई कितना? माइनस पाई बाय ए, तो माइनस यानी कि नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट इधर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टू पाई बाय ए, माइनस टू पाई बाय ए से भी, तो ये मतलब डिस्टेंस तो टू पाई बाय ए है बट ये नेगेटिव में है तो माइनस है, माइनस टू पाई बाय ए, तो ये हो गया माइनस पाई बाय ए। तो इसको मैं लिखूंगा के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए। बिल्कुल आप इमेजिन करना, पिछले जो हमने फिगर बनाई थी सेम वही है, दो पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, टू पाई बाय ए टोटल डिस्टेंस, आधा हो गया पाई बाय ए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधी लाइन है, बिल्कुल वही है जो पहले किया था। अब दूसरे वाले के लिए देखो, एच की जगह जीरो डाल दो, के की जगह माइनस वन डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय ए आएगा। अगेन माइनस से माइनस कट जाएगा तो के वाई की जगह आ जाएगा पाई बाय ए। तो के वाई की डायरेक्शन में पाई बाय ए ये है, तो ये एक लाइन बनी, के वाई इज इक्वल टू पाई बाय ए। ठीक है, वैसे मुझे इन चारों ब्रैक प्लेन्स, ये चारों ब्रैक प्लेन्स है, तो इन चारों ब्रैक प्लेन्स के बीच का जो रीजन है वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन तो मिल ही चुका है।
फिर भी आप और भी बना सकते हो और पॉसिबिलिटी लेकर के, अब मैं यहां नहीं बनाऊंगा आप बना सकते हो, पर मैं बता देता हूं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। हमने ले लिया एक बारी के को जीरो लेकर लेकर के हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई, एक बारी एच को जीरो लेकर के हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई। अब और चार पॉसिबिलिटी बन सकती है, एच वन के माइनस वन, एच माइनस वन के माइनस वन, एच वन के वन और एच माइनस वन के वन। ये चारों पॉसिबिलिटी भी बन सकती हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पर रख करके, तो आपको जो लाइनें मिलेंगी वो एक मिलेगी ये वाली लाइन, एक मिलेगी ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट मतलब जब आप सही से बनाओगे तो बिल्कुल फॉल करेगा, एक मिलेगी ये वाली लाइन और एक मिलेगी ये वाली लाइन। और ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन सिंपल क्यूबिक के लिए, ये हो गया सेकंड ब्रिलियंट जोन, ये हो गया थर्ड ब्रिलियंट जोन, सॉरी ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है, पहली लाइन को पार करा तो ये सेकंड ब्रिलियंट जोन, ये भी सेकंड ब्रिलियंट जोन, ये भी सेकंड ब्रिलियंट जोन और ये भी सेकंड ब्रिलियंट जोन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये 2D के लिए लिखी है, अगर आप इसी इक्वेशन को 3D में लिखना चाहते हो तो आप पता है कैसे लिखोगे? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप बना पाओगे, तो मैं आगे नहीं कर रहा। जब आप इसी इक्वेशन को 3D में लिखोगे, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें 3D में काम करना होता है ना, तो हम लिखेंगे एच के एक्स प्लस के वाई प्लस आपकी बारी एल बी आ जाएगा के जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आपको यहां लाइट की वजह से दिख नहीं रहा तो मैं पढ़ देता हूं, एच डॉट के एक्स प्लस के डॉट के वाई प्लस एल डॉट के जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको यूज करके हम इस पिक्चर को 3D में भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिलियंट जोन्स का थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट। हमने ब्रिलियंट जोन समझा क्या होता है, हमने ब्रिलियंट जोन्स का सिंपल क्यूबिक के अंदर बात करी। अब आज की क्लास काफी लंबी हो गई, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ब्रिलियंट जोन इन BCC एंड FCC, ठीक है, उन दोनों की हम बात करेंगे।